بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ونحن دائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ہماری گفتگو شرائط وضو کے ذیل میں چل رہی تھی اور مسئلہ نمبر 136 شرائط وضو مسئلہ نمبر 136 مسئلہ نمبر 135 جو ہم نے بیان کیا تھا اگر ہم بڑی والی شیر لے آئے نا مسئلہ نمبر 136 کیا ہے مسئلہ نمبر 136 کہ مساجد مسجدوں سے یا مدرسوں سے وضو کرنا مسجد مدرسے کے جو وقف ہوا کرتے ہیں آیا وہاں پر وضو کرنا ان افراد کا جو ان مسجد میں نماز نہیں پڑھنا چاہتے ہیں جو اس مسجد میں نماز نہیں پڑھنا چاہتے ہیں یا یا ان مدرسوں سے وضو کرنا جو وہاں کے اسٹوڈنٹس نہیں ہیں تو کیا وہ وہاں سے وضو کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں توجہ کریں وقف میں جو وقف کرنے والا ہوتا ہے جو وقف کرنے والا ہوتا ہے اس کی مرضی ہے کہ کسی بھی چیز کو کس نیت سے وہ وقف کر رہا ہے وقف کا مطلب کیا ہوتا ہے وقف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی ملکیت سے ایک چیز کو نکال دے اور کسی کام کے لیے اس کو وقف کر دے مقرر کر دے تو وہ اس کام کے لیے وہ چیز وقف ہو جاتی ہے مثلا میں آپ کو کچھ ایگزامپلز دوں اس کو اس کی کہ مثلا ایک شخص نے اپنی ملکیت سے ایک مکان کو نکال دیا اور امام بارگاہ کے لیے وقف کر دیا تو اب وہ امام بارگاہ اس شخص کی ملکیت میں نہیں ہے بلکہ یہ اب امام بارگاہ کے لیے یہ زمین یہ مکان یہ جگہ وقف ہو گئی امام بارگاہ اس کی اب ملکیت میں نہیں رہا اب وہ زندگی بھر اس کو بیچ نہیں سکتا ہے
न मीरास में वो माल जाएगा न उसका इख्तियार चलेगा। हाँ, वो अपने आप को इसका ऑथराइज पर्सन जो जिसको कहते हैं मुतवल्ली, वो ये कर सकता है कि मैं इस वक्त का मुतवल्ली हूँ। मुतवल्ली का मतलब क्या होता है? मुतवल्ली का मतलब ये होता है कि जो उस वक्त शुदा चीज को संभालने वाला शख्स, बस वक्त की डेफिनेशन वाजे हो गई। वक्त की डेफिनेशन वाजे हो गई। अभी हम इंशाल्लाह दुआ करें कि इंशाल्लाह वक्त के मसाइल तक पहुँचे, तो वहाँ पर हम इंशाल्लाह इसकी तफसील से गुफ्तगू करेंगे कि वक्त के मसाइल। लेकिन इन शॉर्ट ये है कि वक्त का मतलब ये है कि इंसान एक ज़मीन को, एक मकान को, एक मकाम को, एक जगह को किसी भी मखसूस काम के लिए वक्त कर दे, तो उसमें ये होता है कि वो अपनी मिल्कियत से वो चीज़ निकल गई, अब कोई शख्स उसका मालिक नहीं है, कोई शख्स इसका मालिक नहीं है, बल्कि ये ज़मीन, ये मकान इमाम बारगाह की मिल्कियत है, इमाम बारगाह इसका ओनर है, या कब्रस्तान है, या मुसाफिर खाना है, या मसलन कोई शख्स उलमा के लिए एक मकान को वक्फ कर देता है, या इंशाल्लाह इसको तफसील से वहाँ पर पढ़ेंगे, बस या किसी मदरसे के लिए वक्फ कर देता है, किसी ख़ास पर्टिकुलर काम के लिए वक्फ कर देता है, तो ये वक्फ बन जाएगा और उस शख्स की मिल्कियत से निकल जाएगा। और जो इसको संभालने वाला होगा उसको कहेंगे मुतवल्ली, और वक्फ करने वाला मुअय्यन करेगा कि मैं किसको मुतवल्ली बना रहा हूँ। और अगर उसने मुतवल्ली किसी को नहीं बनाया तो फिर हाकिम शरा किसी शख्स को उसका मुतवल्ली बनाएगा, हाकिम शरा उसको मुतवल्ली बनाएगा। और अब जैसे बाज़ लोग आते हैं और उसको चलाते हैं तो मुतवल्ली नहीं बनेंगे। अलाइयाल वो इंशाल्लाह वहाँ पर गुफ्तगू करेंगे वक्त में। बस यहाँ तक बात वाज़े हो गई। अब डिपेंड करता है वक्त करने वाला, जब वक्फ कर रहा हो ना कि बाद में, जब वक्फ कर रहा हो तो वो किस नियत से इसको वक्फ कर रहा है। अब अगर उसने एक मस्जिद को वक्फ किया, उसके लिए वुजू खाना भी उसके साथ उसने वक्फ किया, अब हमें नहीं मालूम है, या अभी हम पहले मालूम नहीं होने को बाद में लेकर आते हैं। अब जो वक्फ करने वाला है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आया इस वुजू खाने को उमूमी लोगों के लिए वक्फ कर रहा है या नहीं, पर्टिकुलर उन लोगों के लिए वक्फ कर रहा है जो वहाँ नमाज पढ़ेंगे। बस ये देखना पड़ेगा कि उस वक्फ करने वाले ने क्या नियत की थी, वक्फ करने वाले ने क्या नियत की थी। अब मिसाल के तौर पर इसी तरह मदरसा, और अब जो वक्त करने वाला है वो इस मदरसे को तालिबे इल्मों के लिए वक्त कर रहा है या जो भी वहाँ पर आकर वुजू करें वो
जो है वो वहाँ से वुजू कर सकता है। तो जो वक्त करने वाला होता है उसकी नीयत और उसके इरादे पर डिपेंड करता है, और वो भी जब वो वक्त कर रहा हो, जब उसे वक्त कर दिया तो हम वाकिफ से नहीं पूछने जाएंगे कि ये काम कर लें, वो काम कर लें, यूं कर लें और वूं कर लें, और उस वक्त उसने कोई नीयत ना की और बाद में वो ऑर्डर या उसके बारे में कहे, तो उसके बाद की उसकी बात की कोई, हाँ वो ये कह सकता है कि मैंने किस चीज़ के लिए वक्त किया था, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर वो ये कहे कि हाँ मैं इजाज़त देता हूँ, तो हु आर यू, तुम कौन हो, तुम्हारी कोई इजाज़त नहीं चलेगी। जब तुमने नीयत की थी वक्त की, उस वक्त की नीयत जो है वो डिपेंड, उस वक्त की नीयत जो है वो देखी जाएगी। बस खुलासा क्या हो गया, आया अब क्वेश्चन सवाल के ऐसी मस्जिदों से, ऐसे मदरसों से जिसके बारे में हम जो थर्ड पार्टी हैं, हम वहाँ पर नमाज नहीं पढ़ना चाहते उस मस्जिद में, क्या हम इस मस्जिद से वुजू कर सकते हैं, क्या इस मस्जिद से वुजू कर सकते हैं या उस मदरसे से वुजू कर सकते हैं, कि हम उस मदरसे के तालिबे-ए-इल्म नहीं हैं। तो ये मसला शरी, हमारी गुफ्तगू असल कहाँ चल रही है, हमारी गुफ्तगू चल रही है कि वुजू का पानी मुबाह होना चाहिए, मुबाह यानी उसका इस्तेमाल हमारे लिए जायज हो, हलाल हो। देखें ये अहकामात शरिया हैं कि एक एक चीज, हम तो हर चीज माल मुबदिल बेरहम की तरह हर चीज हलाल समझते हैं, फिक्र ये नहीं है, दीन ये नहीं है, शरीयत ये नहीं है। शरीयत हर चीज को उसकी जगह पर रखती है और उसके एतबार से अहकाम चलते हैं। बस अगर हमें नहीं मालूम कि आया ये उमूमी वक्त है या खसूसी वक्त है, तो फरमाते हैं कि इब्तदाई तौर पर आगे कोई आगे चीसानी फरमाते कि ला यजूज़ुल वुज़ू लिग़ैरिहिम मिन्हा, कि इन जगहों से जो गैर हैं इस डाउट की सूरत में, शक की सूरत में, वहां से वुज़ू नहीं कर सकते हैं। इल्ला दो एक्सेप्शन हैं, मिनहाजुस सालिम में एक एक्सेप्शन बयान की है, एक एक्सेप्शन हम उर्वतुल वुस्का से बयान कर देते हैं। जो मिनहाजुस सालिम की एक्सेप्शन है वुजू करने की, वो क्या है, वो ये कि वहां पर आदत जारी है, कि मसलन जो शख्स भी चाहता है वहां वुजू कर ले, चाहे वो नमाज ना पढ़ने वाला हो, चाहे वहां का तालिब इल्म और स्टूडेंट ना हो। पर दो कंडीशन है, कंडीशन नंबर वन, जो वहां नमाज नहीं पढ़ने वाले वो भी वहां से वुजू कर रहे हो, नंबर वन। कंडीशन नंबर टू, और कोई मना ना करता हो। ये दो कंडीशन अगर फुलफिल हो रही है तो ये जो मैंने एग्जाम्पल दी या इसकी मानिंद कोई भी एग्जाम्पल, तो वो वुजू करना जायज हो जाएगा। वापिस से सुने, मसलन हम गए एक मस्जिद पे, हम एक मस्जिद में गए, हम वहां से वुजू करना चाह रहे हैं जबकि हम मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ेंगे। हाँ अगर नमाज पढ़ रहे हैं तो वाजे है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हम मस्जिद गए, हमें सिर्फ वुजू करना है या वॉशरूम, क्योंकि ये मसला वॉशरूम में भी हमने बयान किया था, अहकाम तखल्ली में ये बयान आया था, लेकिन जो है वो यहाँ पर अभी दोबारा से इसको रिपीट कर रहे हैं। बस हम गए किसी मस्जिद में, वहाँ वुजू करना चाह रहे हैं जबकि वहाँ नमाज नहीं पढ़ना चाह रहे हैं, तो क्या वुजू कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और हमको नहीं मालूम कि उमूमी वक्फ है या नहीं है, तो क्या कहा इन्होंने, नहीं कर सकते हैं।
एक्सेप्शन, दो कंडीशन के साथ। एक्सेप्शन नंबर वन में दो कंडीशंस हैं। नंबर वन कंडीशन कि आम तौर पर वो लोग जो वहां नमाज ना पढ़ते हों वो भी वहां वुजू कर रहे हैं। या अगर मदरसे वाली एग्जांपल लेनी हो तो वो लोग जो वहां के स्टूडेंट ना हो वो भी वहां से वुजू कर रहे हैं। ये हो गई कंडीशन नंबर वन। कंडीशन नंबर टू क्या है कि उनके वुजू करने पर कोई मना नहीं कर रहा है। ये दो कंडीशन अगर फुलफिल हो रही है तो वुजू करना जायज है। सवाल, आया इत्मीनान आना चाहिए कि हमें ये इत्मीनान होना शर्त है कि हमें इन दो कंडीशन से इत्मीनान हो जाए कि वक्फ करने वाले ने उमूमी तौर पर वक्फ किया है, इसके बारे में इत्मीनान शर्त है या शर्त नहीं है। और इख्तिलाफ है, अगर कोई आगे सीधा नहीं, दोनों हजरात ये फरमाते कि नहीं काफी है, अगर ये दो कंडीशन है तो ये काफी है इस बात के लिए कि इजाजत उमूमी है चाहे आपको इत्मीनान ना भी हो। तवज्जो फरमाया आपने, किस चीज का इत्मीनान, किस चीज का इत्मीनान, इस बात का इत्मीनान के पस हमें इत्मीनान हो के वाकिफ ने वक्त करने वाले ने उमूमी तौर पर इजाजत दी है, ये इत्मीनान। आइए, ये इत्मीनान की कंडीशन है या नहीं है, तो अगर कोई आगे चिंता नहीं किया फरमाते कंडीशन नहीं है। अगर ये दो कंडीशन फुलफिल हो रही है बस इतना ही काफी है कि आम तौर पर ये उमूमी इजाजत इससे साबित हो जाती है चाहे आपको इत्मीनान ना भी हो रहा हो। उम्मीद है कि यहां तक ये मसला वाज़े हो गया होगा। बस दो जुमले में खुलासा बयान कर दूं कि अगर मस्जिद, इमाम बारगाह, मदरसे, उसके टॉयलेट, उसके वॉशरूम, उसके वुजू खाने, आया उन लोगों के लिए कि जो इमाम बारगाह में मस्जिद सुनने नहीं आए हैं, मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ना चाह रहे हैं, उस मदरसे के स्टूडेंट नहीं हैं, अगर शक है कि आया उमूमी वक्त किया है या खुसूसी, तो वो लोग वुजू नहीं कर सकते हैं। मगर एक एक्सेप्शन, वो एक्सेप्शन क्या है कि अगर दूसरे भी इस्तेमाल कर रहे हो और कोई मना ना कर रहा हो, बस ये एक एक्सेप्शन नंबर वन। एक्सेप्शन नंबर टू क्या है जो मिनहाज में बयान नहीं किया है लेकिन उर्वतुल रुस्का में बयान किया है कि एक्सेप्शन नंबर टू, अगर कोई आगे सीस्तानी में इख्तिलाफ है, खूब तवज्जो करें, अगर सीस्तानी और आगोई में इख्तिलाफ है, आगोई का सिंपल है, पहले आगोई का बयान कर दूं। आगे खोई क्या कहते हैं, आगे खोई कहते हैं कि अब जाहिर इबारत आखोई यही है जो मैं आपकी खिदमत में बयान कर रहा हूं, लेकिन मुमकिन है क्योंकि आगे खोई ने अभी जो आगे सीस्तानी की बात आएगी तो आगे सीस्तानी की का मसला जो आएगा वो मुमकिन है आगे खोई की वो मुराद हो, लेकिन बहरहाल इबारत में ऐसा नहीं है। अच्छा, ये अगर जहमत ना हो तो ये जो एक माइक खुला हुआ है अगर इसको बंद कर सकें, अगर मेरी आवाज आ रही है उनको, तो ये जो आईफोन है उनका माइक खुला हुआ है, अगर वो माइक को बंद कर सकें जी बहुत शुक्रिया। खूब तवज्जो करें, दूसरी एक्सेप्शन क्या है, मसला वाज़े है सही, मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रहा हूं। दूसरी एक्सेप्शन कि अगर हमें नहीं मालूम कि मस्जिद उमूमी वक्त है या खुसूसी और हम वहां पे वुजू करना चाहते हैं जबकि हम वहां नमाज नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो आया हम वुजू कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। दूसरी एक्सेप्शन,
वो ये है कि आगे कोई ने ये बयान किया कि जो उस मस्जिद का मुतवल्ली है, मुतवल्ली शरी, मुतवल्ली यानी केयर टेकर, जो शख्स मुंह उठाए किसी भी इमाम बारगाह मस्जिद का केयर टेकर बनना चाहे तो नहीं बन सकता है। केयर टेकर बनने के लिए शरी केयर टेकर जिसको मुतवल्ली कहते हैं, दो तरीके हैं शरई मुतवल्ली होने के लिए, शरई केयर टेकर होने के लिए। पहला तरीका ये है कि वक्फ करने वाला पर्टिकुलर एक्स को केयर टेकर मुतवल्ली बनाए तो वो केयर टेकर बनेगा। दूसरा तरीका, अगर कोई नहीं है, किसी को नहीं बनाया, तो फिर मुज्तहिद या उसका वकील किसी वक्फ वाली जगह पर एक्स को मसलन केयर टेकर मुतवल्ली बना दे तो वो मुतवल्ली बन जाएगा। इसको कहते हैं मुतवल्ली केयर टेकर। अब केयर टेकर का लफ्ज पता नहीं कहां तक सही है, लेकिन मुतवल्ली जिसकी विलायत में है वो वक्फ वाली जगह, इसको मुतवल्ली कहते हैं, जो उसकी देखभाल कर रहा है। बस आगे कोई कहते हैं कि दूसरा तरीका ये कि केयर टेकर से पूछ लें, मुतवल्ली से पूछ लें कि मसलन आया ये उमूमी वक्फ है या खुसूसी वक्फ है। ये नहीं कि मुझे इजाजत दे रहे हो या नहीं, उसकी कोई हैसियत नहीं है परमिशन देने की, ये याद रखिएगा। मुतवल्ली अपनी तरफ से नहीं दे सकते, मगर ये कि वाकिफ ने अगर वक्फ करते हुए ये कहा कि मुतवल्ली जिसको परमिशन दे, हाँ ऐसा हो सकता है, वो ये कंडीशन लगा सकता है कि मुतवल्ली जिसको परमिशन दे उसके लिए मैं वक्फ कर रहा हूँ, ये पॉसिबल है। लेकिन अगर मिसाल के तौर पर खुलासा ये कि अगर हम नहीं मालूम, तो आया मुतवल्ली से अगर हम पूछते हैं कि आया ये खुसूसी है या उमूमी है, और मुतवल्ली ये कह दे कि ये उमूमी है, तो हम वहां से वुजू कर सकते हैं। ये ताबीर है आगे खोई की। आगे सिस्तानी की ताबीर थोड़ी सी ज्यादा दकीक ताबीर है। यहां पर आपकी खिदमत में एक बात अर्ज कर दूं, बाज लोग आगे खोई और आगे सिस्तानी के फतावा से नतीजा निकालते हैं कि आगे सिस्तानी जो कि वो ज्यादा दकीक है, जबकि आगे खोई ने दर्स खारिज में एक नुक्ता बयान किया जो आगे सिस्तानी के लिए बात वाजे हो रही है। अब जाहिरी तौर पर मैं ये बात कह रहा हूँ क्योंकि बहरहाल आखुई के उस्ताद थे आगे सिस्तानी के, क्योंकि बाद लोगों का ख्याल ये कि मसलन आगे सिस्तानी आलम है और वो इस तरह नतीजा निकालते कि इनकी फिकही किताबों को देखकर, अगर वो आखुई का दर्ज खारिज नहीं देखते हैं तो फिकही किताबों से नतीजा नहीं निकाल सकते हैं। क्योंकि आगे खोई ने जो दर्ज खारिज में बात कही है वो क्या कही है, तवज्जो करें, लिहाजा आगे सिस्तानी ने वो दकी गुफ्तगू की, क्योंकि उससे पहले वो आगे खोई एक बात कह चुके हैं, अगर से फतवे में नहीं कही आगे खोई ने। आगे खोई ने क्या कहा है तवज्जो करें, आगे खोई ने कहा कि मुतवल्ली से पूछ लें कि उमूमी है या खसूसी है। क्यों? इसलिए कि मुतवल्ली जिलियत हुआ करता है, जिलियत साहिबियत, साहिब इख्तियार, और साहिब इख्तियार और साहिबियत और जिसके हाथ में वो चीज है उसका कौल मोतबर है, उसका कौल मोतबर है। जैसे मिसाल दूं मैं आपको, ये कहां पर पहले भी गुजरा था कि मिसाल के तौर पर एक घर है, मालिक मर्द है, लेकिन इस घर का मिसाल के तौर किचन टॉयलेट चीजें किसके इख्तियार में है, बीवी के इख्तियार में है, तो बीवी साहिबियत कहलाएंगी, अगरचे वो जो है वो मालिक नहीं है। अगर बीवी कहे कि ये नजिस है तो उसको उसकी बात पे यकीन ना भी आए तो भी उसका कौल हुज्जत है। अब फॉर एग्जांपल थर्ड मैन, शख्स सालिस, तीसरा शख्स जो बाहर का हो, बीवी जिलियत है, शोहर जिलियत नहीं है जबकि मालिक है। अब
तीसरा शख्स जो है अगर उसकी बीवी कहती कि नजिस है, बल्कि इस वक्त तीसरे शख्स की जरूरत नहीं है बल्कि खुद है शौहर, अगर शौहर कहता है कि ये चीज नजिस है, अगर सिस्तानी के लिहाज से अगर शौहर को बीवी कहती कि ये चीज नजिस है तो नजिस नजासत साबित हो जाएगी, अगर खुई के लिहाज से भी, अगर सिस्तानी के लिहाज से भी। लेकिन अगर मिसाल के तौर पर शौहर कहता है कि ये जगह नजिस है, ये चीज नजिस है, तो अगर सिस्तानी कहते कि नहीं नजासत साबित नहीं होगी, क्योंकि वो शौहर मालिक जरूर है लेकिन जिलियत नहीं है, उसके इख्तियार में नहीं है। होप तवज्जो किया आपने। बस मुतवल्ली कौन होता है? जिलियत है, मुतवल्ली केयर टेकर है, तो उसी के इख्तियार में ये सारा का सारा। लिहाजा मुतवल्ली अगर कह दे कि उमूमी वक्फे तो काफी है। अगर सिस्तानी ने आकर क्या कहा? अगर सिस्तानी ने आकर कहा कि नहीं मुतवल्ली नहीं चलेगा, बल्कि अगर मुतवल्ली जिलियत हो, मुमकिन है मुतवल्ली जिलियत ना हो, तवज्जो करें, मैं आपकी खिदमत में मिसाल दूं। मसलन एक मस्जिद है, एक शख्स बाइज्जत व मोहतरम मुतवल्ली इस मस्जिद का, लेकिन जरूरत नहीं कि वो केयरटेकर भी हो। उसने किसी को रेंट पर मस्जिद संभालने के लिए दे दी, वो जो मस्जिद संभाल रहा है वो है जिलियत, वो साहिब इख्तियार है। मुतवल्ली पर अब तीन लोग हो गए, एक हो गया वाकिफ, मुतवल्ली और केयरटेकर, तीन लोग हो गए। अगर सिस्तानी कहते क्राइटेरिया केयरटेकर है, वो है असल में जिलियत, उसका कॉल हुज्जत है। अब अगर मुतवल्ली अगर केयरटेकर भी है और मुतवल्ली भी है तो सही है, लेकिन अगर मुतवल्ली केयरटेकर नहीं है तो फिर वो जो है फायदा नहीं है, फिर उसका कॉल नहीं चलेगा। तो अब चूंकि असल मैंने आपकी खिदमत असल बयान किया कि असल नुकता चूंकि आखुई से लिया है, चूंकि आखुई ने यही बयान किया कि चूंकि मुतवल्ली केयरटेकर हुआ करता है, जिलियत हुआ करता है, अगर चीज़ा नहीं कहते नहीं हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है। अल्लाह यार बात इंशाल्लाह उम्मीद है कि वाजे है। अब इसीलिए हमने शक किया कि क्या आगे खुई के नज़दीक भी वही तफसील है जो आगे सीतानी ने दी, अगर कि उर्वा में उन्होंने इस तरीके से बात नहीं की है। बहरहाल जो उर्वा में फतवा है वही हमारे लिए हुज्जत है। बस दो एक्सेप्शन हो गई और बात इंशाल्लाह उम्मीद है कि वाजे हो गई। मसला नंबर 137। मसला नंबर 137 बहुत ही मालूमाती मसला है, आपकी फिकही मालूमात में इजाफा होगा अगर हम इसको सही तरीके से उसी तरह बयान करें जिस तरह अगर कोई ने अपने दरसे खारिज में बयान किया है। तो अब जाहिर है मैं पूरा उस तरीके से तो बयान नहीं करूँगा, लेकिन जो है वो एक हद तक कोशिश करूंगा कि बयान करूं, देखते हैं इंशाल्लाह। अगर ये मसला थोड़ा तूलानी है आज हम स्टार्ट लेते हैं और कल इसको इस मसले को मुकम्मल करेंगे। मसला नंबर 137 क्या है? मसला नंबर 137 ये है, सबसे पहला पॉइंट जो वाजे है जिसकी वजाहत हो गई ऊपर वाले मसले में, लेकिन दोबारा 137 में बताते हैं कि अगर किसी शख्स को मालूम है या एहतमाल है कि मस्जिद का वुजू खाना मसलन नमाज पढ़ने वालों के लिए मखसूस है तो जायज नहीं है कि इंसान वुजू करे इस मस्जिद से इस नियत के साथ कि वो जाके कहीं और नमाज पढ़ेंगे।
चाहे दूसरी मस्जिद में चाहे घर जाकर। अब आप लोगों से सवाल कर रहा हूँ, ये कब जायज़ नहीं होगा? जब हमें मालूम हो कि ये मखसूस है किसके लिए, इसी मस्जिद में नमाज पढ़ने वालों के लिए। ये हम एहतमाल दे रहे हैं, क्योंकि दोनों सूरतों में ना, चाहे हमें मालूम हो, तवज्जो करें, चाहे हमें मालूम हो कि ये मखसूस है यहाँ पर नमाज पढ़ने वालों के लिए वुजू करना, ये हमें डाउट है, तो दोनों सूरतों में जायज़ नहीं है कि हम नमाज कहीं और पढ़ना चाहते और वुजू यहाँ से करें। सही हो, ये तो एक सिंपल पॉइंट नंबर वन हो गया। पॉइंट नंबर टू क्या है, खूब तवज्जो करें, यहां से आगे खुद और आगे जीतानी का इख्तिलाफ आएगा। पॉइंट नंबर टू क्या है, पॉइंट नंबर टू, एक शख्स ने वुजू किया एक्स मस्जिद से इस इरादे के साथ कि मैं यहां पर नमाज पढ़ूंगा, सही। वुजू करने के बाद उसको मतलब उसका दोस्त मिल गया, कहा कि हम फलां मस्जिद चलते हैं, या वो अपने घर ले गया। अब हमने वुजू कहाँ किया था, मस्जिद में। कौन सी मस्जिद, जिसके बारे में हमें मालूम है कि वो सब लोग तमाम लोगों के लिए वुजू खाना नहीं था या डाउट है उसके बारे में। अब हमने उस मस्जिद से वुजू किया, तो क्या ये वुजू हमारा सही है सही नहीं है, जबकि हम अब नमाज कहाँ पढ़ना चाह रहे हैं, घर पर पढ़ना चाह रहे हैं या किसी और मस्जिद में पढ़ना चाह रहे हैं। तो आया ये वुजू सही है या सही नहीं है, सिंपल जवाब दे दूं इसका। सिंपल जवाब आ गए, सिस्तानी कहते हैं कि हाँ, अगर पहले ही से आपका इरादा ये था कि मैं वुजू कहीं और नमाज कहीं और जाके पढ़ूंगा, तो आपका वुजू ही बातिल हो गया जो ऊपर बयान किया। लेकिन अभी आपका इरादा चेंज हुआ, पहले इरादा था मैं इस मस्जिद में नमाज पढ़ूंगा, अभी इरादा चेंज हो गया, आगे की जाने के तक आपका वुजू सही है, आपका वुजू सही है। आगे कोई कहते हैं नहीं, वुजू सही नहीं है, या ब्रैकेट में अगर चाहे तो एक चीज लिख लें कि हमने पहले भी एक चीज बयान की थी, इज्तिमाए अमरो नहीं, इज्तिमाए अम्र और नहीं। अगर कोई ये कहते हैं कि ये इज्तिमाए अमरो नहीं का मोरिद है, कैसे, इसलिए कि हमने वुजू किया, ये अम्र मौजूद है और इस मस्जिद से वुजू करना हराम था, क्योंकि हमें नहीं मालूम है कि आया वक्फ करने वाले ने उमूमी किया है या नहीं किया है। तो ये हो गया इज्तिमाई अमरो नहीं। क्योंकि अगर सीता नहीं कहते हैं कि हमारे नजदीक इज्तिमाई अमरो नहीं प्रॉब्लम ही नहीं है, लिहाजा वुजू सही है। अगर कोई कहते हैं कि नहीं, इज्तिमाए अमरो नहीं इम्पॉसिबल है, मोहाल है, लिहाजा यहां पर वुजू बातिल है, वुजू बातिल है। सही, खूब। अब यहां पर अब अगर किसी को इससे ज्यादा डीपली अगर सवाल करना हो तो वो ग्रुप में कर सकता है, यहां तक ये बात वाजे हो गई। तीसरी सूरत,
इस मसले की तीसरी सूरत, मसला नंबर 137 की तीसरी सूरत, एक शख्स ने, खूब तवज्जो कीजिएगा, एक शख्स ने वुजू किया एक मस्जिद के वुजू खाने से इस नीयत के साथ कि मैं इसी मस्जिद में नमाज पढ़ूंगा, और बाद में उसके लिए पॉसिबल ही नहीं हुआ इस मस्जिद में नमाज पढ़ना। क्यों? मतलब मस्जिद बंद कर दी गई, ताला लगा हुआ है, मतलब वुजू खाना अलग बना हुआ था, हम जब मस्जिद में आए तो मस्जिद तो बंद है, भाई पता चला आज मस्जिद की छुट्टी है, आज मस्जिद बंद है। जैसे मसलन ईरान में जुमे के दिन मस्जिद बंद होते हैं, सिर्फ जहाँ पर नमाज जुमा कायम होती है फकत वहाँ पर नमाज जुमा है, बाकी सारी मस्जिद बंद होती है, सिर्फ एक जगह नमाज होगी, नमाज जुमा मसलन। अब कोई एक ऐसी मस्जिद है जिसका वुजू खाना खुला हुआ था, हमने वुजू किया कि मस्जिद में जाके नमाज पढ़ेंगे, हमने वुजू किया, बाद में पता चला भाई वुजू के मस्जिद ही बंद है, तो यहाँ तो हमारा कोई कसूर ही नहीं है। पहले वाली सूरत में तो हमारा इरादा बदल गया, जो सेकंड सिचुएशन थी कि हमने वुजू किया इस मस्जिद में नमाज पढ़ने के इरादे से, बाद में हमारा इरादा बदल गया और हमने कहा कि हम कहीं और नमाज पढ़ेंगे, ये सेकंड सिचुएशन थी। थर्ड सिचुएशन क्या है कि नहीं पॉसिबल ही नहीं रहा अब हमारे लिए, पॉसिबल ही नहीं है अब हमारे लिए, तो अब जो है हमारे वुजू का क्या स्टेटस रहेगा। हमारे वुजू का क्या स्टेटस है, यहां पर दो सूरतें पहले बना लें, दो सूरतें बना लें। कंडीशन नंबर 1, हमें यकीन था कि हम इस मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे। अच्छा, अभी दो कंडीशन बना रहा हूं, कल एक और कंडीशन आएगी वो कल बयान करूंगा, अभी दो कंडीशन। कंडीशन नंबर 1, हमें यकीन है कि हम यहां नमाज पढ़ेंगे, और यानी इसको थोड़ा सा सही कर लें, कंडीशन नंबर 1, हमें यकीन है कि हम यहां पर नमाज पढ़ने की कुदरत रखते हैं, पढ़ सकते हैं, यकीन के साथ हमने कि हम कोई शक नहीं था, हमें यकीन था कि हम यहां पर नमाज पढ़ लेंगे, हमारी नमाज पढ़ना मुमकिन है, नमाज पढ़ना मुमकिन है, ये हमें यकीन है, ये कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2, हमें डाउट था कि क्या हम यहां पर नमाज पढ़ सकेंगे या नहीं पढ़ सकेंगे, ये कंडीशन नंबर 2। अगर तीसानी दोनों कंडीशन में कहते हैं आपका वुजू सही है, आप मजे से जाइए और कहीं और जाके, अब आपने तो अब तो पॉसिबल ही नहीं ना, आपको तो पहले नहीं पता था ना, अब जाइए कहीं और जाके, घर जाके, मस्जिद में जाके, कहीं जाकर भी वुजू कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई कहता कि नहीं, जहां पर आपको, यानी पहली कंडीशन, जहां पर आपको यकीन था कि आप कादिर हैं, कुदरत रखते हैं या नमाज पढ़ने की, अगर ये सिचुएशन है तो आपका वुजू सही है। जो दूसरी कंडीशन है जहां पर आपको शक है, डाउट है, वुजू तो कर रहे हैं अभी और इरादा भी है कि मैं हर हाल में नमाज तो यही पढ़ूंगा, लेकिन चांस है कि शायद मुमकिन मस्जिद बंद हो गई हो, जुमे का दिन है, मैंने सुना तो था कि जुमे के दिन मसलन ईरान में जो मस्जिद बंद होती है, लेकिन मुझे यकीन नहीं है, लेकिन इरादा है इसी मस्जिद में नमाज पढ़ने का, और जो है वो चांस है कि शायद मेरे लिए
मस्जिद बंद हो तो मैं नमाज नहीं पढ़ सकूंगा। तो आप कहते हैं इस सूरत में इसका वुजू बातिल शुमार किया जाएगा। खूब यहां तक ये 137 के तकरीबन 80% मसला हल हो गया। अब आप लोगों के पास एक सवाल मैं देता हूं, इसका जवाब फिलहाल नहीं दे रहा हूं मैं, अगर दिल चाह तो अगली दफा बयान करूंगा। मसला शरी बयान हो गया, मसला शरी कंप्लीट, सिर्फ एक क्वेश्चन दे रहा हूं कि आगे खुई क्या कहते थे इज्तिमा अमरु नहीं पॉसिबल नहीं है, तो यकीन वाली सूरत में जहां पर मुझे यकीन है कि मैं कुदरत रखता हूं या नमाज पढ़ लूंगा और इत्तेफाक से जो को ताला लग गया तो आखिरी ने वहां पर क्या कहा वुजू सही है। ओ, आया वहां पर इज्तिमा अमर नहीं चलेगा या नहीं चलेगा, बहरहाल ये एक उनकी इस्तेदलाली गुफ्तगु है, लिहाजा सिर्फ मैंने बाज लोग के लिए ये नुक्ता दिया कि आखिरी कहते कि वहां पर जो कोई इज्तिमा अमर नहीं चलेगा, क्यों नहीं चलेगा ये बहरहाल अपने मकाम पर। बस यहां तक जो वो ये बात हो गई। अब आखिरी जो नुक्ता है, तीन सिचुएशन हो गई, जो चौथी सिचुएशन है, पहली सिचुएशन क्या थी कि हमें मालूम है या डाउट है कि उमूमी है या उमूमी नहीं है तो हम वहां से वुजू नहीं कर सकते। ये 137 की सिचुएशन नंबर वन। 137 की सिचुएशन नंबर टू, हमने इस इन मस्जिद में इरादे के साथ वुजू किया, बाद में पता चला कि हमारा इरादा तब्दील हो गया कि अब यहाँ पे इस मस्जिद में नमाज नहीं पढ़नी है, तो ये वुजू सही है सही नहीं है, आपको आगे सीतानी का इख्तलाफ। सिचुएशन नंबर थ्री वो क्या है, वो ये है कि हमने वुजू की नियत से इस मस्जिद में वुजू किया तो यहाँ पर दो सूरतें थी, एक दफा हमें यकीन है कि हम यहाँ पर मस्जिद में नमाज पढ़ लेंगे हतमन, एक सिचुएशन, दूसरी सिचुएशन ये कि हमें वुजू करते हुए ही डाउट था कि हम यहाँ पर मस्जिद में नमाज पढ़ सकेंगे या नहीं पढ़ सकेंगे। तो इन दो सूरतों में जो कि वो एक सूरत आगे सीधा नहीं के नजदीक, दोनों सूरतों में वुजू सही है, कोई के लिहाज से यकीन वाले में सही है और शक वाले में जो कि वो वुजू बातिल हो जाएगा। आखिरी जो एक नुक्ता बाकी रह गया वो इंशाल्लाह अगली गुफ्तगू में इसको आपकी खिदमत में बयान करेंगे। अगर किसी का सवाल है तो सही है, वरना फिर दुआ करते हुए जो हम आज की गुफ्तगू को खत्म करते हैं। खुदा की बार जी सवाल है कि यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में ये होता है और पाकिस्तान में बहुत सारी जगह पे होता है कि काफी सारे लोग मिलकर एक मस्जिद या इमाम बारगाह बनाते हैं, एक शख्स की मिल्कियत तो नहीं होता है वो, और जो भी लोग हैं वो ट्रस्टीज के हवाले कर देते हैं या शुरू में वो खुद चलाते हैं फिर बाद में ट्रस्टीज आ जाते हैं उनके पास जो है, तो वहाँ पर जो है वो ट्रस्टीज है वो उनका जो है स्टेटस है वो मुतवल्ली सही। लेकिन ये मैं जी ये मेरे जहन में था, मैं इसको इंशाल्लाह कल आपकी खिदमत में इसकी वजाहत करता हूँ ट्रस्टीज की, क्योंकि मैंने इसीलिए स्किप कर दिया था कि चूंकि बहरहाल ये वक्त में आएगा, लेकिन अब चूंकि आपका सवाल आ गया है तो ट्रस्टीज के बारे में आ गया है क्या स्टेटस बनेगा, ये इंशाल्लाह मैं कल की गुफ्तगू में इसको इंशाल्लाह आपकी खिदमत में बयान करूंगा। खुदा की बारगाह में दुआ को है कि खुदावंदा बेहक मोहम्मद वाले मोहम्मद उलूम मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम हासिल करने की तौफीक अता फरमाए, उस पर उसको समझने की तौफीक अता फरमाए, अपनी आखिरी हुज्जत इमाम असर ज़मान सलामुल अलैहि के ज़ुहूर में ताजील फरमाए। वा आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।